टू ऑल, सबको हमारा तरफ से नमस्कार है। आज हमारा अतापुर एरिया शिक्षाओं ने जो गुरुद्वार का इधर यहाँ पे तेलंगाना गटका एसोसिएशन से अपने यहाँ से 12 ब्रॉन्ज मेडल्स नेशनल लेवल में जाके तो जीत के आ गए, ये सब लोगों को हम शुभकामनाएं दे रहा हूँ और ऑल द बेस्ट कर रहा हूँ। आगे भी और अच्छा मेडल्स लेना है। और कोई भी अभी बताए तो जो है जो इंटरेस्ट है ये गेम में, आप आके उनसे संपर्क कर सकते। जो ये गेम बहुत अच्छा है, ये स्पोर्ट्स एंड गेम्स में भी रिजर्वेशन रहता है, जो गवर्नमेंट को जो जॉब्स के लिए और प्राइवेट सेक्टर्स के लिए भी जो स्पोर्ट्स का रिजर्वेशन है, जो इक्वल पूरा जो रिजर्वेशन में ये आगे आगे बढ़ता है, और जो फोर्सेस में भी इसमें रिजर्वेशन रहता है। सबको मैं विज्ञप्ति करता हूँ, सब जो बच्चे हैं जो फिजिकल जो गेम्स में जो लड़ते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं, उन लोगों को अच्छा स्पोर्ट्स स्पिरिट आता है, अपना देश का और देशभक्ति का भी जो आगे आगे अच्छा रहने के लिए भी जो सोसाइटी को अच्छा आगे बढ़ता है। इसके लिए मैं जो बच्चों को पूरा हमारा पुलिस का तरफ से और जो ये गुरुद्वार कमेटी का जो सब लोगों को मैं विज्ञप्ति कर रहा हूँ, और एंकरेजमेंट करिए, जो पेरेंट्स भी है अच्छा एंकरेजमेंट करके बच्चों को और अच्छा मेडल्स आने के लिए कोशिश करना बोल के मेरा सब लोगों को हमारा तरफ से विज्ञप्ति है। थैंक यू। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य का दिन, जो आज हम तेलंगाना गतका एसोसिएशन के तहत बच्चों को जो 3 महीने से ट्रेनिंग चल रही थी, वो पिछले वक्त 11 और 12 अक्टूबर को नेशनल गतका चैंपियनशिप दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में जो चैंपियनशिप हुआ, उसमें टोटल 21 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया और 21 स्टेट्स पार्टिसिपेट करते हुए प्लेयर्स गए थे, उन्होंने 4th प्लेस हासिल किया और 12 ब्रॉन्ज मेडल्स जीतकर तेलंगाना का नाम रोशन किया और पूरे स्टेडियम में तेलंगाना तेलंगाना का नाम गूंज रहा था। ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे बच्चों के लिए भी, और तेलंगाना गतका एसोसिएशन का जो मैनेजमेंट है, जिसमें प्रेसिडेंट साहब सरदार सुखदेव सिंह जी और बाकी जितने भी अपने मैनेजमेंट कमेटी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने बच्चों को इतना जबरदस्त स्पोर्ट्स के साथ जोड़ा। और ये स्पोर्ट्स जो है सिख मार्शल आर्ट है, जो जिसको गतका कहते हैं, वो एज ए नेशनल स्पोर्ट्स के लिए, इसको स्टिक फाइट के लिए नेशनल स्पोर्ट्स में उतारा गया है। ये गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है और ये ओलंपिक में भी एंटर हो चुका है। जो आज 22 तारीख है, आने वाली 25 तारीख को गोवा में इंडियन ओलंपिक्स गेम में भी गतका पार्टिसिपेट कर रहा है। हमारा जो तेलंगाना है वो बहुत लेट एंटर हुआ है इसमें, इसलिए उनको ओलंपिक में अभी ये साल चांस नहीं मिला है। ऑलरेडी 8 स्टेट्स वहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए गोवा में पहुंच रहे हैं। हमें 2024 के लिए ओलंपिक में चांस मिल चुका है और ये गेम जो आने वाले समय में नेशनल गतका चैंपियनशिप जो होगा, वो कोशिश है हमारी कि तेलंगाना में कराया जाएगा। पूरे जो 22 स्टेट्स, अभी एक स्टेट और रिकग्नाइज्ड हुआ है, तो आने वाले साल तक तो और बाकी के और 6-7 स्टेट्स होके 28-29 स्टेट्स, हो सकेगा कि तेलंगाना में ही स्टेट चैंपियनशिप, नेशनल चैंपियनशिप खेली जाएगी। और आज हमारे बीच सीआई साहब सरदार अपने बुली यादगिरी साहब जी पहुंचे हुए हैं बच्चों के स्वागत के लिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए। और जितने भी हमारे गुरुद्वारों के प्रेसिडेंट साहब और भी जो बच्चों के पेरेंट्सों का सबसे ज्यादा योगदान है, जो बच्चों को टाइम अनुसार भिजा रहे हैं कोचिंग के लिए, और ये जो स्पोर्ट्स है ये सबके लिए है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कोई खेल सकता है, हर कोई इसमें भाग ले सकता है, हर कोई इसकी ट्रेनिंग कर सकता है। और अगर
जिसको भी इसमें ट्रेनिंग करना हो वो आप यहाँ पर, मैं एक नंबर देता हूँ, वो नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। वो मैं नंबर बोलता हूँ 8688234385। ये तेलंगाना दत्का एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सरदार विशाल सिंह का नंबर है। जिस किसी भी पेरेंट्स को, बच्चों को इंटरेस्ट है कि हमें बच्चों को स्पोर्ट्स में एंट्री करवानी है, और ये स्पोर्ट्स ऐसा है अभी नया है, तो बच्चे जो इसमें एंट्री होंगे बहुत इसमें कामयाबी है अपने को, क्योंकि नए चीज में जब उतरते हैं तो बहुत कामयाबी बच्चा हासिल, जल्द से जल्द हासिल कर पाता है। और सभी मेरे मीडिया भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग ये पूरा प्रोग्राम मीडिया में डालने के लिए यहाँ पहुंचे। सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कुछ पॉइंट्स मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और जो कि पहली बार तेलंगाना गतका एसोसिएशन ने जो कि तेलंगाना को रिप्रेजेंट किया है नेशनल गेम्स में, इसमें जो बच्चों के जो बेनिफिट्स है, मैं कुछ में कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगा। पहला पॉइंट ये, अगर बच्चा अगर आपका स्टेट खेलता है तो स्कूल का जो मेमो है 10th 12th में, उसमें बच्चों को 15 मार्क्स ऐड होते हैं, और 12th में बच्चा अगर बच्चा नेशनल खेलता है तो उसमें बच्चे के 25 मार्क्स एज ए स्पोर्ट्स में उनके ऐड होते हैं, और नेशनल में करीब हम लोग 100 बच्चों को लेके जा सकते हैं। इस बार 50 प्लस बच्चे गए थे, नेक्स्ट टाइम 100 प्लस बच्चे जाएंगे। और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों के पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों को भेजे, आपका सपोर्ट हमें चाहिए, आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होगा, आपका सपोर्ट हमें चाहिए ताकि हम इसको आगे ले सके। अभी जो भी संगत ये वीडियो देखेगी सुनेगी, उससे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट करें, हमें सबका सहयोग की जरूरत है हमें।